खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। बैतूल में गठित कौमी एकता लंगर कमेटी द्वारा विगत 15 वर्षों से चिखली बुलढाका में प्रसिद्ध धार्मिक आस्थाना बाबा सैलानी सरकार के दरबार में विशाल भंडारा कर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है। ग्रुप के कमलेश पारदरी ने बताया कि यह भंडारा शुरू में 50 किलो चावल से शुरू किया गया था, जो कि आज लगभग 15 से 20 क्विंटल पर पहुँच चुका है। भंडारे का सामान बैतूल से ही लिया जाता है। इस वर्ष बैतूल से पीने की पानी की 1000 के 2 ट्रक से लेकर गए थे, जो कि ट्रक एवं वाहन हम ले जाते हैं उसके स्वामी हमें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, तथा टेंट का सामान भी निःशुल्क उपलब्ध होता है। इस भंडारे हेतु किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। हमारा ग्रुप ही आपस में राशि एकत्र कर इस काम को अंजाम देता है। मेरा नाम कमलेश पारदी है और हमारा जो ग्रुप है 15 साल से सैलानी बाबा का लंगर लेकर के जिला बुलढाना जाता है। हमारे ग्रुप का नाम है कौमी एकता लंगर कमेटी बैतूल। किस दिन किया जाता भंडारा? भंडारा वहाँ हम लोग रंग पंचमी के दिन करते हैं। वहाँ पे जाके एक दिन पहले यहाँ से निकलते हैं, दूसरे दिन वहाँ भंडारा करके फिर वापसी होते हैं। इसके लिए कोई चंदा वगैरह लेते हैं? इसके लिए हम लोग चंदा किसी से नहीं लेते हैं। इसके लिए हम लोग आपसी में जो हमारे मित्र मंडली है, इन लोग सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं एक दूसरे का, और हम ही लोग उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। अगर किसी को चंदा देने या किसी प्रकार की आवश्यकता है तो वो सामग्री ला करके हमको देता है, जो भी बंदा है जिसको भी सहयोग करना है। बाकी हम किसी से पैसा लेते नहीं, पैसा नहीं लेते। इस कौमी एकता जो ग्रुप बनाया आपने, इसमें कौन कौन शामिल है? इस ग्रुप के अंदर हमारे शहजाद भाई हैं, भीमराव अडलक जी हैं। इस कार्यक्रम को, पूरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का श्रेय हमारे भीमराव जी अडलक को जाता है। इन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।